हेलो यार, ये वीडियो है पार्ट टू। महीने भर पहले जो वीडियो आपने देखी थी i20 डीजल का, जो हमने रिव्यू देखा था कि वो चलाने में कैसी है और फीचर्स आपको क्या क्या स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिल जाते हैं, तो ये उसका पार्ट टू है। वो वीडियो पहले ही 13-14 मिनट की जा रही थी, उसको बढ़ाने का कोई सेंस बन नहीं रहा था। तो इस वीडियो में वही चीज कंटिन्यू हो रही है, जिसमें हम आगे देखेंगे कि बूट स्पेस प्रैक्टिकली कितना बन जाता है i20 में। तो सामान भर के देखेंगे, एक भाई है उसकी ट्रेन लेट हो रही है, तो 5 बजे के लगभग हमको ये करना, 8 बजे उसको स्टेशन 100 किलोमीटर दूर भी पहुंचाना है i20 डीजल से ही। तो वही सब चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या हम i20 के साथ ये सब चीज़ें कर पाएंगे इतने कम समय में। तो ये अपनी स्पोर्ट्स वेरियंट है। सबसे पहले मैं आपको एक बार बाहर से इसके लुक दिखा देता हूँ। तो अपनी थोड़ी सी ये जो ग्रे कलर होता है उसमें आती है ये, और डीजल में है ये, जिसमें आपको 1.4 लीटर का इंजन मिलता है, जो कि आपकी वेन्यू में भी आता था पहले, जब BS4 आया करती थी, वो क्रेटा में भी आता था, वरना में भी आता था। तो ये इंजन बहुत पॉपुलर है, बहुत सारी गाड़ियों में हुंडई इसको देती है, काफी रिलायबल, काफी बढ़िया माइलेज भी निकालता है। परफॉर्मेंस तो आपने सुनी ही होगी, इस वाले इंजन की काफी बढ़िया निकल जाती है। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को आगे और चैलेंज वगैरह को शुरू करते हैं। बिल्कुल है, और इसका स्टेयरिंग बहुत लाइट है भाई। अगर मैं कंपेरेटिवली बात करूंगा ना उसके बलेनो के, तो बहुत लाइट स्टेयरिंग है। अगर मैं इसको चलाने के बाद अभी 30-40 किलोमीटर अगर इसको मैं चला लूँ और फिर मैं स्विच करूँ अपनी बलेनो पे, तो मेरे को लगता है कि बलेनो का कितना हार्ड स्टेयरिंग है। अभी मैं रियलिटी में ये चीज़ करी है ना मैंने, तो मैं बता रहा हूँ। और एक कार बहुत ज़्यादा मेरे को लाइट फील होती है बलेनो कंपैरिजन में। इसका वेट भी ज़्यादा है, फिर भी पता नहीं कैसे ब्रेकिंग हो, ब्रेकिंग बलेनो की इतनी बढ़िया नहीं है। इसकी ब्रेकिंग भी आपको बढ़िया मिल जाती है। इसकी बड़ी बहन क्रेटा की ब्रेकिंग में सभी लोग शिकायत करते हैं, लेकिन इसकी ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है। अभी मैं आपको इसका बूट स्पेस प्रैक्टिकली भी चेक करा देता हूँ कि कितना आपको मिलता है इसका बूट स्पेस का। हम कुछ सामान रखने वाले हैं, तभी मैं इसको ड्राइव पे भी लेके चलूंगा, तो उसके लिए आप जरूर देखते रहें। तब तक मैं इसको बंद करके ऊपर पहुंच जाता हूं और सामान रखते हैं। फिर ये हैंड ब्रेक की थोड़ी लंबी खिंच जाती है इसकी। चलो भाई, फोन पे फोन है जा रहे हैं, ये नहीं बनाने देंगे वीडियो। ये फ्लिप की, इसको आप होल्ड करें और आप मोज लें। देखना होगा क्या ये सामान आ जाएगा i20 में। बिल्कुल आएगा। क्या लगता है भाई? आ जाएगा। मैं उस सीट को लटा देता हूँ, ले आओ। पहले सीट लटाओ। सामान तो देख लिया भाई आपने। अब इसका जो होटो, ये जो आती है ना स्प्लिट सीट्स का, इनका रियल यूज करते हैं आज। जो अपने दोनों ही हुक के आपको ऊपर की तरफ करने पड़ते हैं आपके पास, फिर सामान ही सामान बच जाता है। ले आओ भाई, इसमें रखो इसको, तो पीछे पार्सल ट्रे हटानी पड़ेगी। आ जाओ। सचिन बात बात में कर लेना, बात बात में कर लेना सचिन। गाड़ी में रखवा रहा हूँ। तू बैठेगा कहाँ? मैं साइड में बैठ जाऊंगा। यहाँ सचिन जल्दी कर, समय बहुत कम है, बहुत कम सा टाइम है, बहुत कम टाइम है। बात ट्रेन की नहीं है ना, बात यह कि जितना कम समय रहेगा उतनी हाई स्पीड रहेगी हम लोग की। सारा सामान आ गया, एंड में आ जाएगी ये पार्सल ट्रे। अरे तो कौन कहता है भाई i20 में स्पेस कम है। ये देख लो आपके सब सामने पसीनर आ गए इनको भरने में, सारा कुछ सामान आ चुका है। चलो अब लेके चलते हैं इसको। इधर बैठ जाओ, तू नहीं आएगा? भी तो काम है, यहाँ भी तो काम करवाना है, सेंट्रल नोट करवाना है। तो सामान देख लो, अभी तो और सामान भी बहुत आ जाता है इसमें, और आपके सामने हमने भरा था सामान कितना है। खैर अब इसको सामान को खुलाते हैं, फिर इसका ये देखते हैं ड्राइविंग कैसा है। तो
अभी हमारे पास जो है 13 मिनट है। भाई ने बोला है ये सामान रख के आना है, दोबारा से आना है, और जब i20 डीजल हो अपने साथ तो ये चीज बिल्कुल मुमकिन है भाई, करके देखते हैं। यहाँ से राइट राइट लेना है और उस वाले रोड पे आना है, वहाँ पे उस वाले रोड पे। हाँ तो गड्ढे भी ज्यादा महसूस नहीं होते भाई, नहीं होते इसमें, क्या कहना चाहोगे, पता तो लगते हैं कि भाई गड्ढे हैं। बिल्कुल से समझ नहीं आया लगते हैं, बिल्कुल नहीं लगते बिल्कुल पता नहीं लगते ऊपर चढ़ा तो ना। मतलब डीजल में जो मजा आता है ना आपको चलाने में, पिकअप हो आपका, एक्सेलरेशन हो, वो बहुत ही बढ़िया है आपको। मतलब एसी ऑन हो, कितने बंदे बिठा लो, मतलब कोई इंजन जोर तो मार जाए उस पर पता तो लगे कि भाई इंजन पे थोड़ा सा भी लोड पड़ रहा है, मतलब ही नहीं। 9:49 अपने पास 11 मिनट बाकी हैं, अपने को वहीं पे दोबारा पहुंचना है 10 मिनट के अंदर अंदर। और सीधा चलो खनाते हुए सामान देखते हैं भाई। गाड़ी आइडल खड़ी है, पहला गियर सामान उतार लिया, वैसे देख लो ये रोड ही नहीं है उस लायक, तो उतार के सामान तो आ चुके हैं भाई, कुछ नहीं है। वो भाई का जो 10 मिनट वाला चैलेंज था नहीं हो पाया, क्योंकि सामान उतारने में और दोबारा से लोड अनलोड करने में भाई टाइम लग गया। बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि सामान है भी है नहीं, मेन चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर से सामान रखेंगे, वो फिर से देखना कि कितना सामान इसमें आ जाता है। सेकंड राउंड भी लगा लिया है भाई, अब यहाँ पे आपने देखा था जैसे 5 बज चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा कमी हो गई टाइम की, जिसकी वजह से आगे का शूट हो नहीं पाया। बाकी आपने देख लिया इसका 285 लीटर का बूट स्पेस है, लेकिन आप जैसे ही 60-40 वाली सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं तो आपके पास स्पेस बच जाता है। इसकी कॉम्पिटिटर बलेनो में 339 का आता है, लेकिन फिर भी आपने देख लिया काफ़ी सामान इसमें लोड करके गए और इंजन पर बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ता, ये खास बात है इसकी। तो वीडियो देखने का धन्यवाद, अगर कैजुअल सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।